नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज फिगर शो द रीजन ऑफ लेंथ एल विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट थ्री टी इन इट एंड प्रोटोन एंटरिंग द रीजन विद द वेलोसिटी फोर इन टू टेन टू दर फाइव मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल सिक्सटी डिग्री विद द फील्ड इफ द प्रोटोन कम्प्लीट्स टेन रेवोल्यूशन बाय द टाइम इट क्रॉसेज द रीजन एल क्लोज टू एल की वैल्यू हमें बतानी है और मास ऑफ प्रोटोन और चार्ज ऑफ प्रोटोन यहाँ पे दे रखा है ना अगर सवाल सिंपल है इसको ऐसे देखना जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका रीजन है जहाँ पर आपकी आ, ये आपका प्रोटॉन यहाँ पे एंटर किया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री है यहाँ पर यहाँ से एंटर किया है और जब तक ये बाहर निकला प्रोटॉन इसने 10 रेवोल्यूशन uh, पूरे कर लिए ना हो यहाँ पर आपके जो मैग्नेटिक फील्ड uh, वो है उसकी वजह से आपका जो पाथ होएगा इट विल बी हेलिकल पाथ और ये यहाँ पे इसने 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट uh, कर लिए इसका मतलब ये कि जो आपकी पिच है पिच तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एल है ये बताना हमें कितना होएगा सो एल विल भी इक्वल टू टेन टाइम्स आपकी पिच डेट सेट अब बस यहाँ पे पिच का फॉर्मूला हमने पुट uh, इन कर देना अपनी वैल्यू आ जाएगी सो एल विल भी इक्वल टू टेन मल्टीप्लाइड बाय पिच जो होता है दैट इज टू पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी मल्टीप्लाइड बाय वी थीटा ये पिच का फार्मूला है डेटा रख के बस अपने को आंसर मिल जाएगा सो दैट मीन्स एल विल भी इक्वल टू दिस विल बी टेन मल्टीप्लाइड बाई टू पाई मल्टीप्लाइड बाय एम एम यहाँ पे जो अपने को दिया हुआ है देट इज़ 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी वी जो दी है वी है 4 इंटू टेन टू द पावर फाइव मल्टीप्लाइड बाय कॉ सिक्सटी विल बी इक्वल टू वन बाई टू डिवाइडेड बाय क्यू क्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द माइनस नाइनटीन कोलम दिया है और बी जो दिया है वो अपने को दिया है जीरो पॉइंट थ्री राइट इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा सो so, इसको सॉल्व करके एल की जो वैल्यू है लगभग अपनी फो ये आती है जीरो पॉइंट फोर थ्री नाइन मीटर सो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द राइट आंसर